से आप फाइनली मैं आपके एक और वीडियो लेकर आया हूँ और आपसे फ्रेंड्स ऐसे सेटिंग जो ऐसे सेटिंग आप इनके वाईफाई राउटर में ये कर लेंगे जिससे फ्रेंड्स इनके हमारा वाईफाई राउटर है ना वो इनके बोले इनके फ्रेंड बहुत ही जो कि आसानी तरीके से फास्ट चलेगा। ठीक है, तो मैं दो सेटिंग आपसे बताऊंगा और सिंपल और छोटा वीडियो आप इनके जान जाएंगे, तो प्लीज़ बने रहे वीडियो में और आप इनके देखते रहिए। चलिए फ्रेंड्स उससे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनके क्रोम ब्राउजर होता है उसे इनके ओपन कर यहाँ पर आपका राउटर का आईपी एड्रेस 192.168.2.25 पर इनकी रख देंगे और रखने के बाद यहाँ पर हम लॉगिन कर लेंगे वहाँ पर एडमिन जीपीएन और पासवर्ड देने के बाद लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा ही टाइप है जो कि हमारा होम पेज खुल जाएगा, मैं पहले से जो खोल कर रखा हूँ। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या करना है, मैं इनकी एक जो कि यहाँ पर सेटिंग मिलेगा फिर नीचे के साइड में स्क्रॉल करेंगे तो हम नेटवर्क वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसी नेटवर्क वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही नेटवर्क वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स इनके देखिए यहाँ पर एक और सेटिंग मिलेगा, जैसे इनकी सेटिंग नेटवर्क वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद इनकी एक ऑप्शन मिल रहा है वन वाला पर क्लिक करेंगे, वन वाला सेटिंग में जैसे इनकी क्लिक करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स एक सेटिंग मिल रहा है, यही पर आप इनकी ध्यान से देखिएगा यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आईपी मोड है। ठीक है फ्रेंड्स, आईपी मोड जो कि IPv4 है ना, ये फ्रेंड्स इनके आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत ही सारे जो कि थ्री ऑप्शन बताएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर बता रहा है IPv4, IPv6, IPv4 एंड IPv6 इनके बता रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर आकर देखिएगा कि आपका ये कौन सा जो कि ये मोड में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करूँगा आप इनके IPv4 है ना, 4 में आप करिएगा। ठीक है, 4 में रखेंगे तो आपका नेट जो कि फास्ट चलेगा। अगर देखिए आप यहाँ पर दोनों में है ना, 6 में है और उसके बाद इनके 4 में है, तो फ्रेंड्स इनकी क्या करिएगा यहाँ पर से हटाकर आप IPv4 में इनकी करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, एक यहाँ पर कर लीजिएगा ये सेटिंग और यहाँ पर नीचे साइड में इनकी सेव वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसी सेव वाला ऑप्शन पर डायरेक्ट इनकी क्लिक कर देंगे तो हमारा ये सेव हो जाएगा। तो फिर एक सेटिंग यहाँ पर आकर चेक करिएगा और दूसरे सेटिंग के लिए आपसे बता दूँ क्या करना है, यहाँ पर सिक्योरिटी वाला ऑप्शन दिख रहा है, इसी सिक्योरिटी वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे भी सिक्योरिटी वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे साइड में इनकी स्क्रॉल नहीं करना है, यहाँ पर देखिए आप फायर वाल में जो कि हमें रहना है। ठीक है, इनकी फायर वाल में इनकी रहेंगे और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल है ना वो इनके हमें ऑफ होना चाहिए। ठीक है, ये फ्रेंड्स इनकी ऑन होगा तो इनकी मिस्टेक हो जाएगा, आपका जो कि बोले कि राउटर का जो कि उतना जो कि फास्ट नहीं चलेगा, इसलिए फ्रेंड्स इनकी ये ऑफ होना चाहिए और यहाँ पर ये अट्रैक्ट प्रोटेक्शन है ना ये भी फिर डिसेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स इनकी अट्रैक्ट प्रोटेक्शन में इनकी हम इनेबल रखते हैं या यहाँ पर ऑफ करते हैं तो हमारा बोले कि हमारा नेट जो कि स्लो चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस कारण मैं कि इसको ऑफ कर देता हूँ डिसेबल और ये वाला ऑप्शन का फ्रेंड्स ऑन लो हाई इनके लिखा हुआ है, 3 ऑप्शन है, हाई लो ऑफ, तो इनके ऑफ में कर दीजिएगा और यहाँ पर मेरे जैसे जो कि मिलाया हुआ है यहाँ पर ऐसे रखेंगे और यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सेव हो जाएगा। परंतु फ्रेंड्स इनकी आपसे बता दें कि फायर वाल क्या है कि फ्री फायर रहता है ना, फ्री फायर पबजी जैसा जो कि बोले कि ये गेम सब फ्रेंड्स इनकी हाई लो कर देंगे इनके बंद हो जाता है। ठीक है ना, इन डिस्क्रिप में लगा दूंगा, प्लीज़ चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये दो सेटिंग आप आकर राउटर में करिए, दोनों सेटिंग में आप मिलाइए, ये दोनों फ्रेंड्स इनके ऑफ और डिसेबल होना चाहिए। और मैं बताया फिर नेटवर्क वाला ऑप्शन जाने के बाद वन वाला में इनकी IPv4 में इनकी रखकर आप ट्राई करिए, आपका फ्रेंड्स पहले से हिसाब से ना बोले कि आपका वाईफाई हल्का फास्ट चलेगा। ठीक है, मैं जो कि खुद ये सेटिंग करा ना तो मेरा जो कि वाईफाई हल्का जो कि पहले के हिसाब से जो कि हल्का फास्ट चल रहा है। तो फ्रेंड्स इनकी अगर आपका इनकी बोलेंगे ऐसा सेटिंग है तो ठीक है, एक बार आकर जरूर चेकआउट अपने राउटर में जाकर करिए और नहीं तो ये सेटिंग मैं बताया आप कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स यही सिंपल और छोटा वीडियो था, आप सभी कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक से जरूर करिएगा और साथ में फ्रेंड्स हमें चैनल संतोष परवाना ऑफिशियल पर नए तो कृपया चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि हम न्यू वीडियो अपलोड करता रहूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर से जरूर मिल जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स और वीडियो को लंबा न करते पिन करना चाहता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।